जी, सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिवाली की, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये वीडियो है सीए फाउंडेशन के केवल स्टूडेंट्स के लिए, तो बाकी जो सीए इंटर और फाइनल वाले हैं उनके लिए रिस्पेक्टिव वीडियोस अलग होंगी। तो पहले सीए फाउंडेशन वाले बच्चे ही इस वीडियो को चले आगे चलाएं, इंटर और फाइनल वाले आगे बढ़ सकते हैं। सीए फाउंडेशन का जिनका रिजल्ट आया, सबसे पहले जो पास हुए इंटर के अंदर, जिन्होंने कदम रखे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ईश्वर आपको लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ाता रहे। अब हमारे इंटर के फ्रेश बैचेस, शर्मा सर, मेरे राजकुमार सर, हमारे बैचेस जो हैं यूनिक कॉम्बोज, वो 12th of November से ये फ्रेश लाइव बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिनकी सारी जानकारी आपको amitpopliclasses.com पे अवेलेबल हो जाएगी और यूनिक प्राइस पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिनका भी फाउंडेशन अभी क्लियर हुआ है। अब वो सभी सीए फाउंडेशन के बच्चे जो कि इस बार नहीं क्लियर हो पाए, अब मैं बातचीत पे मेन गौर करना चाहूंगा उनसे, उनके साथ। देखो दोस्तों, सीए फाउंडेशन के अंदर आप जानते हो चार पेपर होते हैं, पहले दो सब्जेक्टिव हैं, अगले दो ऑब्जेक्टिव हैं। लास्ट के दो के अंदर, क्योंकि वहां मार्क्स काटने का स्कोप नहीं है, अगर आपने ठीक किया है तो ठीक का ही आंसर मिलेगा, वो ठीक को गलत नहीं कर सकते या उसमें कम मार्क्स नहीं दे सकते, तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स में मार्क्स कटने का स्कोप नहीं है। अब रहा अकाउंट्स और लॉ, अकाउंट्स के अंदर भी स्कोप ना के बराबर है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बैलेंस शीट मिल गई, आंसर मैच हो गया, इंस्टीट्यूट मार्क्स देगा ही देगा। सबसे ज्यादा स्कोप कौन से में है? लॉ। लॉ में सबसे ज्यादा स्कोप है, सबसे ज्यादा स्कोप मार्क्स कटने का। आप अपने आप से पूछ के देखो, जितने भी यहां पर रहे हैं फाउंडेशन के अंदर, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, क्या लॉ में ही सबसे कम आए हैं, या लॉ में ही फेलियर हुआ है, या लॉ की वजह से ही 200 का आंकड़ा टच नहीं कर पाए, क्या यही हुआ है? अगर यही हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है? देखो जी, हमारे पास ओनली हार्डली गिन के 75 डेज रह गए हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है लॉ में? अगर मैं कहूं ना, इस टाइम ज्यादातर लोग क्या कहेंगे, आपको सजेशन पता क्या देंगे, इंक्लूडिंग टीचर, लिख के प्रैक्टिस करो। बहुत अच्छी बात, लिख के प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करूं, क्या लिखूं, किसको दिखाऊं प्रैक्टिस करके? सबसे बड़ी दिक्कत लॉ में यही है। आपने आंसर लिख लिया, बट ये कौन चेक करेगा कि वो आंसर सही है या गलत है? और केस स्टडी मुझे समझ नहीं आती सर पेपर में, कि केस स्टडी कैसे करूं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? देखो, इन सभी दुखती रगों को, जो जहां पर दुखती रगे हैं आपकी, उन्हीं सब पर मरहम लगाने के लिए मैं एक लिस्ट ला रहा हूं top 100 questions की। इसमें top 100 questions जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे फॉर January 25 attempts फॉर सीए फाउंडेशन, ये लिस्ट आपको amitpopliclasses.com पे जाकर मिल जाएगी। top 100 questions इसके अंदर होंगे, वहां पर जाकर आप लिस्ट ले सकते हैं। ठीक हो गई, इतनी बात पहली बात। दूसरी बात, मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज बाय कर लें जिसमें स्पेसिफिकली लॉ का टेस्ट हो। मैं अपनी बात करूं तो मेरी वेबसाइट पे भी ये टेस्ट सीरीज नहीं, ये बैच अवेलेबल है। 2 महीने का बैच है, ओनली 2500, जहां पे आपको 8 टेस्ट देने का मौका मिलेगा। और मैं एक बात पे अपनी मूछें ऊपर कर सकता हूं, अगर नहीं भी है तो भी ऊपर कर सकता हूं, वो क्या कि जिस क्वालिटी चेकिंग, जो लेवल ऑफ क्वालिटी चेकिंग मेरी जो टेस्ट चेकिंग टीम करती है, वो मैं चैलेंज दे सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में कोई टेस्ट चेकिंग ऐसी नहीं करता होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर चेक करने वाले सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, यहां पर चेक करने वाले सभी के सभी एजुकेशनलिस्ट हैं, यहां पर चेक करने वाले सभी के सभी ICAI में जो चेकर होते हैं उस लेवल के लोग हैं। तो मैं आपको ये चैलेंज दे सकता हूं कि इस लेवल की टेस्ट चेकिंग आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी फाउंडेशन लेवल पर। ये तो मैं कहता हूं ना, मुझे ऊपर करके चल ना भी हो, फिर भी ऊपर करके चैलेंज दे सकता हूं कि इससे बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगी। टेस्ट पेपर मैं ही बनाता हूं अपने पैनलिस्ट से डिस्कस करके, लेटेस्ट पैटर्न जो एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से। जैसे इस बार का एग्जाम आया तो 3-3, 4-4 नंबर के सवाल आए, आपने देखे होंगे, तो उसी हिसाब से हमारे टेस्ट का पैटर्न बदल चुका है। तो अगेन, आप सबके लिए सजेशन रहेगा कि अगेन, ये जो आपका बैच है 2 या 3 महीने का, जो बैच amitpopliclasses.com पे अवेलेबल है, मैं लिंक नीचे दे दूंगा इस वीडियो के, वो उस बैच
को लेने के साथ आपको ये लिस्ट ऑफ 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाले हैं, उस बैच को लेने के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाली है। तो ये आप सबको मेरी तरफ से एक दिवाली का तोहफा भी था, सभी के सभी फाउंडेशन के वो बच्चे जिनका अब अटेम्प्ट है जनवरी 2025। चलिए जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी तैयारी के लिए, और ध्यान रखना जिंदगी को आगे बढ़ना ही पड़ता है, जिंदगी को आगे बढ़ना ही पड़ेगा, हम जिंदगी को रोक नहीं सकते ये कहते हुए कि नहीं नहीं हम रह गए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कई बार ऐसा होता है कि पहली बॉल पे हमारे बैट से टच नहीं हुई होगी, दूसरी बॉल शायद सिक्सर के लिए मार दें हम, और अगर आपकी तीसरी बोलती या चौथी बोलती तो शायद इसी पे ही आपका सिक्सर मारना लिखा हो। इसलिए जो भी करना पूरे जोश से करना, पूरे लगन से करना, और ये सोच के करना कि इस अटेम्प्ट में क्लियर करना ही करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, अगेन दिवाली की शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।